हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड में स्थित पीबले शहर से होती है, जहां हम हेलन को देखते हैं। हेलन एक टीनेज बॉय है। हेलन के पिता की काफी बड़ी संपत्ति है। पीबले शहर में घर के पास में ही हेलन का एक ट्री हाउस है। हेलन अपना ज्यादा वक्त ट्री हाउस पर ही बिताता है। उसकी एक आदत है लोगों पर नजर रखना। हेलन के पास एक बिनोक्यूलर है, जिससे वो लोगों की एक्टिविटी पर नजर रखता है और वो हर एक चीज को एक बुक में लिखता है। एक दिन वो घर आता है, उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर लूसी यूनिवर्सिटी जा रही है और हेलन अब और अकेला हो जाएगा। घर में सिर्फ चार मेंबर रहते हैं, हेलन के पिता जूलियस और उसकी सिस्टर लूसी और हेलन की स्टेप मॉम वैरिटी। हेलन की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी है और वो अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वैरिटी को मानता है। वो उसे जरा भी पसंद नहीं करता। रात जब डिनर करके लूसी और हेलन आ रहे थे, लूसी उसे क्लब में अपने साथ आने के लिए कहती है, पर हेलन मना कर देता है क्योंकि हेलन अपना वक्त अकेले ही बिताता था। रात हेलन पास के एक घर में देखता है, एक महिला अपने बच्चे को फीड कर रही थी। तब हेलन उसकी ड्राइंग करने लगता है। तभी हेलन के डैड और उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और वो घर में जाकर किस करने लगते हैं। हेलन ये सब छुप के देखने लगता है। फिर वो अपने ट्री हाउस में जाकर सो जाता है। ट्री हाउस में उसने अपनी माँ की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी। जब वो ज्यादा परेशान होता तो उसे ही देख लेता था। सुबह लूसी यूनिवर्सिटी जाने लगती है। वो हेलन को आवाज देती है पर हेलन बाहर नहीं आता। लूसी जब गाड़ी में बैठ जाती है तो हेलन भागने लगता है और लूसी को आवाज देता है, पर लूसी जा चुकी होती है। हेलन लूसी के जाने से और सैड हो जाता है। हेलन घर में लंच पे बैठा होता है, तभी हेलन के पिता कहते हैं, लूसी यूनिवर्सिटी चली गई है और हम चाहते हैं कि तुम भी ये सब छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और नए दोस्त बनाओ और कुछ पैसे भी अर्न करो। हेलन कहता है, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। उसे लगता है कि उसे यहाँ से भागने की वैरायटी की कोई चाल है और हेलन वहाँ से उठ के चला जाता है। हेलन शाम घर में आता है, तभी उसके डैड जूलियस और वैरायटी हेलन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जूलियस कहता है, मैं हेलन को मना लूंगा। हेलन ये सब छुप के देख रहा था। हेलन अपने पास वाले झील में चला जाता है। हेलन को अपने माँ की पुरानी डूबी हुई बोट मिलती है। हेलन अपने फादर को वहाँ लेकर आता है। वो अपने डैड से पूछता है, क्या आपने और वैरिटी ने मॉम को डुबा के मार दिया था? जूलियस बताता है, तुम्हारी माँ जिस दिन यहाँ आई थी उसने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया था और वो तैर के बाहर नहीं आ पाई और ये एक सुसाइड था। रात में कुछ लड़के आकर हेलन के ट्री हाउस को खराब कर देते हैं। सुबह हेलन अपना सारा सामान ट्री हाउस से निकाल के घर में ले जाके रख देता है। वैरिटी को हेलन की बुक्स मिल जाती है, जिसमें वो अपनी सारी चीजें लिखता था जब वो लोगों पे स्पाई करता था। वैरिटी हेलन के ट्री हाउस पे आती है। वैरिटी हेलन के सामने पढ़ने लगती है जो हेलन ने वैरिटी के बारे में लिखा था अपनी बुक में। वैरिटी हेलन से कहती है ये सब छोड़ के मूव ऑन करने के लिए, पर हेलन कहता है ये मेरी प्राइवेट डायरी है। हेलन को फिर से एक बार अपनी माँ की याद आ जाती है और वो वैरिटी का गला दबाने लगता है। फिर वैरिटी उसे सेड्यूस करने लगती है। हेलन खुद को संभाल नहीं पाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद वैरिटी हेलन को ब्लैकमेल करती है कि वो यहाँ से जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। हेलन को अपने किए पे पछतावा होने लगता है। हेलन दूसरे ही दिन बिना किसी को बताए ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर एडिनबर्ग के लिए निकल जाता है। रात वो देखता है एटीएम में उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। वो रात एक बिल्डिंग के टेरिस पे गुजारता है। सुबह उठकर जब वो नीचे देखता है, उसे एक महिला दिखती है जो बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती है। हेलन उसका पीछा करने लगता है। उस महिला का नाम केट होता है। वो महिला सिटी सेंटर के बालमोरल होटल में एचआर एडमिनिस्ट्रेटर का काम करती है। हेलन जाकर उसे देखने लगता है। केट पूछती है क्या काम है। हेलन उसे कहता है कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ। केट उसे किचन पॉटर का जॉब दे देती है। केट हेलन को किचन पॉटर के बारे में बताती है। हेलन काम पे लग जाता है। वही हेलन का सीनियर किचन पॉटर रेमंड होता है। वो हेलन से बहुत रूडली पेश आता है। वो हेलन से कहता है, मुझे इस काम से नफरत है और अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरे तरीके से करना होगा। शाम काम खत्म करने के बाद हेलन केट का पीछा करने लगता है। वो एक बार में जाती है। वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करती है और घर आ जाती है। हेलन केट का पीछा करते बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। वो उस रात वही सड़क पे बिताता है और पासपोर्ट पे लगी अपनी माँ की तस्वीर देखता है। दूसरे दिन हेलन कैंटीन में रेमंड के साथ बैठा होता है। अब रेमंड और हेलन में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहाँ केट आ जाती है।
हेलम केट को देखने लगता है। उसी दिन शाम को जब केट घर पर नहीं होती तो हेलम केट के घर में घुस जाता है। हेलम केट की खिड़की से देखता है, उसके होटल का क्लॉक टावर साफ नजर आता है। तभी केट आ जाती है घर पे और हेलम भाग के खिड़की के बाहर छुप जाता है। फिर वो खिड़की से केट पे नजर रखता है, जैसा कि हेलम की पुरानी आदत है लोगों पे स्पाई करना। दूसरे दिन होटल में हम देखते हैं हेलम और रेमंड अच्छे दोस्त हो गए हैं। हेलम काम करते वक्त चुपके से क्लॉक टावर में चला जाता है और हेलम सोचता है कि यहाँ से वो आसानी से केट पर नजर रख पाएगा। हेलम वहाँ से उतर के आ रहा होता है, तभी उसे एलस्टेयर रोक लेता है। एलस्टेयर होटल का सीनियर एम्प्लॉई है। वो कहता है ये स्टाफ एरिया है, दोबारा यहाँ मत दिखना। उसी दिन हेलम काम कर रहा होता है, तभी वहाँ केट आ जाती है। केट उसे काम के बारे में पूछती है। हेलम उसे बताता है वो काम को काफी इंजॉय कर रहा है। केट हेलम का एक्सप्रेशन देख के हंसने लगती है। हेलम क्लॉक टावर को अपना रहने का ठिकाना बना लेता है। वो वहाँ से बिनोक्युलर की मदद से केट पे नजर रखने लगता है। हेलम उसे देख रहा होता है, तभी वो देखता है केट के घर में एक शख्स आता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वो शख्स कोई और नहीं, होटल का सीनियर एम्प्लॉय एलस्टेयर था। हेलम भागकर केट की छत पे चढ़ जाता है और वो दोनों को खिड़की से देखने लगता है। वो दोनों की बातों से पता चलता है कि एलस्टेयर शादीशुदा है, उसकी बीवी और छोटी बेटी भी है। एलस्टेयर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा था केट के साथ। उस रात हेलम बहुत दुखी हो जाता है और सुबह वो पुलिस स्टेशन में जाके अपनी स्टेप मॉम वैरिटी के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर देता है कि वैरिटी ने उसकी माँ को मारा था। रात जब काम खत्म होने के बाद हेलम क्लॉक टावर में जा रहा था, एलस्टेयर उसे देख लेता है और उसका पीछा करके वो वहाँ पहुँच जाता है। उस वक्त हेलम केट को ही देख रहा होता है। एलस्टेयर उसे होटल से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है, पर हेलम उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि वो उसके और केट के रिलेशन के बारे में जानता है और वो सब उसकी वाइफ को बता देगा। पर एलस्टेयर उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और हेलम को रात होटल से निकाल देता है और कहता है दोबारा यहाँ दिखना मत। हेलम होटल के रिकॉर्ड रूम से एलस्टेयर का एड्रेस निकाल लेता है और सुबह उसके घर पहुँच जाता है। एलस्टेयर जब घर आता है तो वो हेलम को वहाँ देख के डर जाता है। एलस्टेयर इस बात को सीक्रेट रखने का फैसला करता है। हेलम अपने काम पर वापस आ जाता है। दूसरे दिन केट हेलम को अपने कैबिन में बुलाती है और बताती है कि होटल में फ्रंट हाउस पोर्टर की वैकेंसी आई है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो, वहाँ का यूनिफॉर्म भी यहाँ से अच्छा है। हम देखते हैं हेलम को फ्रंट हाउस पोर्टर की जॉब मिल जाती है। हेलम का सीनियर एंडी उसे सारे काम की जानकारी देता है। दूसरे दिन हेलम केट की छत से केट को देख रहा होता है, तभी क्लॉक टावर में एलस्टेयर आ जाता है और हेलम को देख लेता है। एलस्टेयर केट के घर पहुँच जाता है और केट के साथ इंटीमेट होने लगता है। हेलम ये सब देख रहा होता है और एलस्टेयर भी उसे देखने लगता है। हेलम रात क्लॉक टावर में चला जाता है और अपनी माँ के लिखे हुए बर्थडे लेटर को पढ़ के इमोशनल हो जाता है। उस दिन हेलम का बर्थडे होता है। सुबह रिसेप्शन पे केट आती है और हेलम को बर्थडे विश करती है। हेलम खुश हो जाता है। हेलम आज पूरे 18 साल का हो गया है। तो शाम एंडी, केट और हेलम ड्रिंक करने का फैसला करते हैं। तीनों बैठ के ड्रिंक करते हैं। एंडी ज्यादा ड्रंक हो जाता है। वो केट और एलस्टेयर के अफेयर के बारे में बताता है। केट एम्बैरेस हो जाती है। एंडी बताता है कि वो केट को कितना लाइक करता है। केट उसे बैठने के लिए कहती है, पर एंडी वहाँ से उठ के चला जाता है। बाद में केट और हेलम ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और केट हेलम को लेके अपने घर चली जाती है। केट हेलम को सेड्यूस करने लगती है पर हेलम मना कर देता है। हेलम केट को किस करता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ ये तो नहीं कर सकता, पर बेड जरूर शेयर कर सकता हूँ। रात हेलम केट के साथ सो रहा होता है, तब उसे याद आता है कि कैसे वो छत की खिड़की से केट को दिखा करता था और आज वो उसके साथ उसके बेड पर है। दूसरे दिन होटल में हेलम केट को डेट के लिए पूछता है। केट मना कर देती है पर केट कहती है जो कल रात हुआ उसे भूल जाओ। हेलम वहाँ से चला जाता है। हेलम रिसेप्शन पे होता है, तभी एक कॉल आता है। एंडी कहता है तुम्हें 405 में किसी लेडी ने बुलाया है, अर्जेंट है। हेलम भीतर जाता है, उसमें कोई नहीं होता। तभी केट वहाँ आ जाती है। वो बताती है कि उसने ही हेलम को यहाँ फोन करके बुलाया है। केट हेलम के करीब आ जाती है, दोनों किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। केट को भी हेलम का साथ अच्छा लगने लगा था। हम देखते हैं एलस्टेयर की कुछ केट के साथ बहस हो गई है और वो उसे मनाने उसके घर चले गया है। हेलम भी उसका पीछा करते केट के घर चला जाता है। एलस्टेयर केट के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तब खिड़की से हेलम पहुंच जाता है। वो एलस्टेयर को रोकने की कोशिश करता है पर एलस्टेयर उसे पंच कर देता है और एलस्टेयर केट को हेलम के बारे में सब बता देता है।
केट एलेसडेयर को वहां से जाने के लिए कहती है। केट हैलम से पूछती है, तुम मुझे क्यों देखते थे छुप के? हैलम बताता है, वो उसकी माँ की तरह दिखती है। केट उसे वहां से जाने के लिए कहती है और उसे जॉब से भी निकाल देती है। दूसरे दिन सुबह हैलम ऑफिस के बाहर बैठा होता है, तभी केट आ जाती है और वो केट को फिर से जॉब पे रखने के लिए मना लेता है। केट उसे अपने घर ले जाती है और पनिशमेंट के तौर पे न्यूड होकर उसे उसकी स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। हैलम बताता है कि लोगों पे स्पाई करना उसके बचपन की आदत है। हैलम वहां से जाने लगता है। केट उसे रोक लेती है। हैलम अपना सामान केट के घर लाया होता है। वो केट को अपनी माँ की फोटो दिखाता है और उसके सामान में एक ड्रेस भी होता है। हैलम बताता है वो उसकी माँ का है। हैलम बताता है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है। केट वो ड्रेस पहन के आती है। केट को उस ड्रेस में देख के हैलम को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो इमोशनल होकर रोने लगता है। केट उसे कंफर्ट करने लगती है। फिर दोनों एक साथ काफी इंजॉय करते हैं। हैलम उसे दिखाता है कि कैसे वो खिड़की से केट पर स्पाई करता था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरे दिन हैलम को ढूंढते हुए हैलम के फादर और उसकी स्टेप मॉम वैरिटी होटल आ जाते हैं। उन्हें हैलम का पता उस पुलिस स्टेशन से चलता है जहाँ हैलम ने वैरिटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जूलियस केट को देख के शॉक हो जाते हैं। हैलम के फादर उसे कहते हैं कि वो अपनी मॉम की वसीयत पे साइन कर दे ताकि उनपे जो कर्ज है वो उसे चुका सके, पर हैलम मना कर देता है। वैरिटी केट को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग करती है। हैलम रात भर वैरिटी के कहे शब्दों के बारे में सोचता है और वो पीपले अपने घर चला जाता है। वो वैरिटी को बांध के अपने घर के झील में फेंक देता है। फिर हैलम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वैरिटी को बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है। वैरिटी वहां से चली जाती है। उसके फादर वहां आ जाते हैं। वो बताते हैं कि तुम किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ ने सुसाइड किया था। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी और मैं भी टायर्ड हो गया था उसे रोकते रोकते। जूलियस बताता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत प्यार करती थी। हैलम इमोशनल हो जाता है और जूलियस के गले लग जाता है। दूसरे दिन हैलम एडिनबर्ग केट के घर आ जाता है। केट कहती है, मैं रिलेशनशिप में बहुत खराब हूँ और मैं अब रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। केट कहती है, तुम मुझसे 5 साल बाद आके मिलना। हैलम पूछता है, क्या तुम तब भी इतनी खूबसूरत रहोगी? केट स्माइल करती है और हैलम फिर एडिनबर्ग के स्ट्रीट पे निकल जाता है। हैलम पहली बार इतना खुश था जिंदगी को लेकर। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।